अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं देना या फिर उनके व्यक्तित्व को ऐसा बना देना कि वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति का दृढ़ता से सामना कर सके। असल में क्या है प्यार, जरा सोचिए और बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉटोलर्न। I had taught in some school once. I used to take personality development classes where children would perform various activities like role plays, speech, games, etc. कुछ क्लासेस में पीरी पीरियड वीक में 3 दिन मॉर्निंग में होता था और बाकी के 3 दिन आफ्टरनून में होता था, अराउंड 1 or 2 o'clock के आसपास। मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चे जो मॉर्निंग में काफ़ी एक्टिव रहते थे, आफ्टरनून में जब मैं वही पीरियड लेने जाती थी तब वो बच्चे एकदम डल, रेस्टलेस हो जाते थे। कारण मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था। फिर मैंने एक दिन उनसे पूछा, क्या आपके रूम पे या घर पर एसी है? जवाब हाँ था। वो सारे बच्चे जिनके घर पर एसी है या जिन्हें एसी की आदत है, वो गर्मी के वजह से बेचैन होने लगते थे। क्लास में एक्टिविटीज़ में वो फोकस नहीं कर पाते थे। गर्मी दूसरे बच्चों को भी लगती थी पर उनके गर्मी को सहने की क्षमता ज़्यादा थी कंपैरेटिवली उन बच्चों से जिनके घर पे एसी था और जिन्हें हर वक्त एसी की आदत थी। आजकल स्कूल्स में भी एसी होते हैं पर मोस्टली स्कूल्स में नहीं होते हैं, और वो बच्चे जिन्हें एसी की आदत थी एक समय के बाद वो बेहाल होकर क्लास में बैठे होते थे। वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। हम पेरेंट्स अपने बच्चों को फिजिकल कंफर्ट देने की वजह से इतना उस पर फोकस्ड हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम उन्हें वीक बना रहे हैं। घर पर एसी होना बुरा नहीं है पर उस एसी की आदत इस तरह होना कि उसके बगैर हम रह ही ना पाए, ये बुरा है। सारे पेरेंट्स को 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा फिक्र होती है। पहली बच्चे की पढ़ाई, दूसरा उसका करियर और तीसरा शादी। हम बच्चे की पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में कराते हैं, करियर के लिए भी जो बन पड़े हम करते हैं और उसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी ढूंढ देते हैं। पर क्या आपने स्कूल में होने वाले रोज के चैलेंजेस कैसे फेस करना है ये बच्चे को सिखाया? क्या आपने उसे ये सिखाया कि करियर में प्रेशर, कॉम्पिटिशन, ये सब कैसे हैंडल करना है? क्या आपने उसे रिश्ते निभाना सिखाया? अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें ये सब सिखाएं, और ऐसा आप कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हैं वो बातें। जब भी आपका बच्चा घर पर कंप्लेन लेकर आए कि स्कूल में उसे कोई मारता है तो आप झट से टीचर को कॉल ना करें। पहले अपने बच्चे को सिखाएं कि वो अपने लेवल पर इस चीज़ से कैसे डील कर सकता है, और जब बात ना बने तब आप टीचर को या स्कूल में इन्फॉर्म करें। ध्यान रखिए, हमारा फोकस बच्चों को प्रोटेक्ट करने में नहीं, इस बात पे ज़्यादा होना चाहिए कि वो खुद को प्रोटेक्ट करना कैसे सीखें। अक्सर बच्चों का उनके फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो जाता है और बहुत से पेरेंट्स कह देते हैं, क्यों जाते हो उनके पास, क्यों बात करते हो उससे? ऐसा कह के हम उन्हें अभी से रिश्तों में हार मानना सिखाएंगे। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे लोगों को उनके स्वभाव के साथ स्वीकार किया जाए। ये बात तो हम बड़ों को भी सीखने की ज़रूरत है ना? अगर आज हमने अपने बच्चों को स्टडी प्रेशर और कंपटीशन को फेस करना सिखा दिया तो कल वो अपने करियर में इसी तरह के प्रेशर को आराम से हैंडल कर पाएंगे और आराम से फेस कर पाएंगे। एग्ज़ाम का फेयर बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। एग्ज़ाम बच्चों का है, टेंशन उन्हें लेने दीजिए। आप सिर्फ उन्हें गाइड करते रहिए, उन्हें बताते रहिए कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, बाकी सारा उन्हें खुद मैनेज करने दीजिए। सो इफ़ यू रियली लव योर चिल्ड्रन, टीच देम टू सर्वाइव विदाउट यू इन एनी सर्कमस्टांसिस ऑफ लाइफ। प्रिपेयर देम फॉर अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। वर्क ऑन देयर इनर स्ट्रेंथ, emotional strength, spiritual strength, instead of giving them materialistic things. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up and do let me know what do you want to watch next on my channel. और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।